हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कुछ प्रेशर विंड्स के बारे में पढ़ा था। प्रेशर एंड विंड्स एक टॉपिक था, उसके अलावा जो सारे फैक्टर्स काम करते हैं विंड के ओरिजिनेट होने से उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी में, कोरिओलिस फोर्स वगैरह, वो सारी चीजें हमने अच्छे से समझी। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन थीम है, यानी कि ITCZ, ये सारी चीजें इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक क्या है, देखो अब ये टॉपिक कह रहा है कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा हम एटमॉस्फेयर जो पढ़ रहे हैं उसमें विंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है सारे वेदर और क्लाइमेट के बदलाव में। ठीक, अब पूरा का पूरा हमारा प्लेनेट है, ये हमारा अर्थ है, इसमें हर जगह विंड्स मूव कर रही हैं। अब विंड्स ओरिजिनेट होती हैं और ओरिजिनेट होने के बाद वो किस तरीके से कोरिओलिस फोर्स काम करता है, प्रेशर कैसे काम करता है, कैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन अब हम इस टॉपिक से ये समझेंगे कि जो विंड्स का मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे वेरी करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि विंड्स चल रही हैं तो पूरे प्लेनेट में विंड्स चल रही है, हर एरिया में अलग अलग वेरी करेगा। कितनी सारी डायवर्सिटी है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे लैंड है, ठीक है, और उसी सारी चीजों की वजह से विंड्स का एक अलग अलग मूवमेंट देखने को मिलता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मान लो समुंदर के पास का एरिया, जैसे कुछ लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समुंदर के पास के इलाके में ज्यादा आपको प्लीजेंट वेदर देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा समुद्र से दूर होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, वेदर अलग ही होगा। वहां पे भीषण गर्मी या भीषण ठंड, जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल, दिल्ली समुद्र से काफी दूर है तो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और ठंड भी ज्यादा पड़ती है। अगर वहीं पे मैं कोस्टल रीजन की बात करूं, गोवा मुंबई केरला की, तो वहां का वेदर बहुत प्लीजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा विंड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है वहां के एटमोस्फेयर, वहां के वेदर को बेहतर बनाने में, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक से देखो हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी, तो इसको समझते हैं कुछ फैक्टर्स और कैसे कैसे काम करेगा, फिर एक एक करके इसको समझेंगे और इसमें मतलब जो ITCZ जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे अच्छे से उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड ऑन, अब कौन कौन से पैटर्न्स हैं, तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे इनके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि विंड का पैटर्न किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे कैसा पैटर्न होगा, हर एक जगह को अच्छे से समझेंगे। तो पहला पैटर्न आता है हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लैटिट्यूड देख रहे हो आप, अलग अलग लैटिट्यूड से हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग तरीके की विंड चलेंगी। कारण तो कारण ये है कि आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जब हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर को, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब ये देखो इसको ना आप ऐसे समझो, ये सरफेस है मान लो, ठीक है, यानी कि ये लैंड है, तो सर्फ हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ऐसे कवर अप है, ठीक है। तो इक्वेटर से हमारा जो है वो दूर है एटमॉस्फेयर, पढ़ा था याद करो 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और यहां से 8 किलोमीटर है पोलर रीजन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब एटमॉस्फेयर में इतना गैप है, मतलब पोलर रीजन में एटमॉस्फेयर पास है और उधर दूर है इक्वेटर पे, तो इससे क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो कहां पे ज्यादा सेटल डाउन है, वो यहां पे ज्यादा सेटल डाउन है क्योंकि एटमॉस्फेयर नजदीक है, यहां पे थोड़ा दूर है, एटमॉस्फेयर बड़ा है, तो विंड का वेरिएशन देखने को मिलेगा दोनों जगहों पे। तो इसलिए लैटिट्यूड का एक वेरिएशन, लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है विंड्स का हर एक मूवमेंट पे अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम एमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। अब हर जगह अलग अलग प्रेशर बेल्ट काम करेंगी, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह हाई प्रेशर है या हर जगह लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर होगा कहीं पे लो प्रेशर होगा, जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जहां ज्यादा सनरेज पड़ेगी वहीं पे हाई प्रेशर सॉरी लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, पृथ्वी घूम जाएगी, फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर अलग अलग जगह मूव कर जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन। अब क्या होता है कि देखो, जब वही मैंने बात करी ना आपकी, अब पृथ्वी है कि हमारा जैसे होता है ना कि नदर रीजन में क्या कहते हैं ठंड पड़ जाती है क्योंकि सूरज दूर हो जाता है, टिल्ट है हमारी, और फिर सदर रीजन में ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर पृथ्वी घूम जाती है गर्मियां आ जाती है नदर रीजन में, तो ये जो वेरिएशन होता है इसके चलते हुए भी प्रेशर बेल्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। मान लो हाई प्रेशर या लो प्रेशर यहाँ पे है तो फिर वो मूव होकर इधर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होते ये प्रेशर, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अब क्या है कि देखो, जब विंड चल रही है तो हो क्या रहा है कि कहीं पे कॉन्टिनेंट है कहीं पे ओशियन है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा अभी, वैसे तो मैं आगे बताने वाला था पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस टॉपिक पे जब हम आए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियन। अब देखो, कहीं पे ओशियन है कहीं पे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड, तो पृथ्वी दो ही चीजों से तो है, या तो लैंड है या पानी समुंदर है, ठीक है।
तो विंड अगर मान लो ये लैंड है और ये पानी है तो दोनों जगह एक तरह से तो मूव नहीं करेगी। याद करो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हवा चलेगी तो क्या करेगी, फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। अब लैंड तो सॉलिड पार्ट है, मान लो यहाँ पे कहीं ऊबड़ खाबड़ है, हिल्स या माउंटेन्स है, तो जब हवा चलेगी तो टकराएगी तो फ्रिक्शन होगा उससे। लेकिन अगर समुन्दर की बात करूं तो समुन्दर का तो फ्लैट सर्फेस है, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, वहां कैसा है, पानी है। अब मान लो अगर आप फर्श पे ऐसे हाथ मारोगे तो फर्श तो नहीं टूटेगा, लेकिन पानी में ऐसे हाथ मारोगे तो पानी तो उछल के आगे जाएगा। तो वही होता है कि जब विंड मूव करेगी समुद्र में तो क्या होगा, वो अपने साथ ओशन को भी, करंट वेव्स को, ओशन करंट्स को, जो ओशन पानी होगा उसको, लहरों को दौड़ाएगी अपने साथ। तो जो आपने देखा ना समुद्र की जो लहरें दौड़ती रहती है हमेशा, टापू से टकराती रहती है, आप कभी भी नोटिस करना, आप कभी गए हो या शिप वगैरह में, बोट वगैरह में, आप कभी समुद्र के सेंटर में आप कभी गए हो घूमने, तो आप नोटिस करना पानी हमेशा मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो विंड की वजह से, विंड उस पर हमेशा जो है फोर्स लगाती रहती है, विंड मूव कर रही है तो पानी को भी वो मूव करती रहती है, ठीक है ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशन, तो मतलब इसकी वजह से क्या है कि विंड का मूवमेंट क्या है। अच्छा हाँ, ये फिर ये हो गया कि अगर लैंड है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हवा का अलग होगा, ओशन में फिर हवा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग लेवल पे होगा, और उसी के चलते हुए क्या होगा, वहां हमारा बरसात और इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आता है हमारा लास्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेट होने से क्या होता है हमारा, याद करो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कोरिओलिस फोर्सेस। कोरिओलिस फोर्सेस लगेगा ना, रोटेट होगी अर्थ तो विंड सीधी नहीं चलेगी, टिल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये उसके सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यही होता है कि द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड लार्जली डिपेंड ऑन कि जो विंड्स है उनका मूवमेंट जो है वो किन किन चीजों पर वेरी करता है, लैंड है, सी है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है और बाकी सारी चीजों, लैटिट्यूड हो गया, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गए इसके पॉइंट्स, उसके बारे में बताया। उसके बाद कहता है द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और यही जो विंड्स का जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, इसी को हम बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही हमारे एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन में बहुत बड़ा रोल करता है। तो क्रक्स क्या है वीडियो का, क्रक्स इस टॉपिक का ये है कि ये जो विंड है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, हमारे एक वातावरण को मेंटेन रखने में, ठीक, ये होता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे कह रहा है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारा समुंदर है, समुंदर में क्या है, पानी ही पानी है दूर दूर तक, तो हवाएं जब वहां पे चलेंगी तो क्या हो रहा है, वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं क्योंकि पानी है, तो टकरा के फिर क्या होगा, पानी वहां पे मूव करेगा। तो वो कह रहे हैं ना कि मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन, तो इस तरीके से ओशन में सर्कुलेशन देखने को मिलता है पानी का। अब इसी के चलते हुए हमें फिर समुद्र में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना, साइक्लोन वगैरह देखने को मिलता है, सुनामी भी आ जाती है। खैर सुनामी का तो रीजन दूसरा हो जाता है, अर्थक्वेक वाली बात हो जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो अपना अभी हमने पढ़ा ना कि साइक्लोन आ जाता है और ये सारी चीजें होती हैं, फिर बरसात होती है। अब जैसे कि मान लो हमारा इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर आता है इंडिया, तो जो साउथ वेस्टर्न विंड्स लेकर आती हैं अपने साथ, सॉरी गलत बना दिया मैंने, इंडिया यहाँ पे आता है हमारा, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया यहाँ पे आता है तो क्या होता है, साउथ वेस्ट विंड लेकर जाती है। तो अब कॉन्टिनेंट जो है हमारे, जो समुद्र के पास के होंगे, वहां बरसात ज्यादा देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, हवाएं अपने साथ लेकर आएंगी, हवाएं क्या है, अपने साथ पानी लेकर आएंगी। अब जहां पे हॉट वाटर होगा, जैसे मान लो अगर इसको, चलो एक बार अलग से अगर हम समझें, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझा दिया मैंने। अब जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई भी है, साउथ अफ्रीका मान लो या कुछ भी एक कॉन्टिनेंट है, और ये हमारा पूरा का पूरा समुद्र है इसके आसपास। अब मान लो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लैंड पे, ठीक है ना, और हाई प्रेशर ये पानी है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगे, अब पानी के अंदर अगर ये पूरा पानी है, ठीक है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगे तो क्या होगा, अपने साथ पानी भी लेके जाएंगे, प्रेसिपिटेशन होगा ना। अगर मान लो जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो पानी क्या होगा, मूव करेगा उसके साथ। तो जब विंड्स मूव करेंगी, पानी अपने साथ लेकर जाएंगे, तो क्या होगी, वो बरसात लेकर आएंगी। जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हम लोग पढ़ेंगे ना, सब हम लोग पढ़ेंगे रेनफॉल कैसे होता है इंडिया में, वो सारी चीजें, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि अब पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, ना ही जल्दी गर्म होता है, धीरे धीरे टाइम लेता है ठंडा होने में,
और फिर धीरे धीरे टाइम लेता है गर्म होने में। लैंड कैसी है, जल्दी गर्म होती है फिर जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो दोनों जगहों का क्लाइमेट फिर वेरी करेगा उसके चक्कर में, ठीक है। वो सारी चीजें क्यों हो रही है, विंड का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें समझ में आती है। तो ये है कि विंड जो है अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया किसके, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर। तो इस विंड के सारे पैटर्न की वजह से ही हमारे एटमोस्फेयर में ये सारा सर्कुलेशन और ये सारा वेदर क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब हम अगली वीडियो से ITCZ के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। कॉमेंट सेक्शन में अपना सजेशन प्लस कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।